So, hello everyone, welcome back to my channel Motion Pro Physiotherapy. I'm Dr. Rupali Gurung, PT, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर को हम सही से कैसे इस्तेमाल करें, इसका सही से हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करते हुए. तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो सबसे पहली चीज, हमें पल्स ऑक्सीमीटर को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए. पल्स ऑक्सीमीटर बताता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, जो कि बहुत ज़रूरी है किन्हीं किन्हीं मरीजों के लिए जानना जिनका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल लो रहता है. तो जो जितने भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है, जिनको फेफड़ों की बीमारी है या और कोई अदर कंडीशंस, उसमें ज़्यादातर पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को पता करने के लिए. तो पल्स ऑक्सीमीटर हमें यही बताता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है. ये नॉर्मली भी अगर आप अपनी बॉडी का सैचुरेशन लेवल पता करना चाहते हैं, उसके लिए भी पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. तो अब आइए देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर को सही से इस्तेमाल कैसे करें. तो सबसे पहले मैं आपको अपनी पल्स ऑक्सीमीटर मशीन दिखाती हूँ कि वो किस तरह की है. तो जो मेरी पल्स ऑक्सीमीटर मशीन है वो कुछ इस तरह की है. देखिए, इस तरह की मेरी मशीन है और इस तरह से इसका ये क्लिप खुलता है. तो ये है मेरी पल्स ऑक्सीमीटर मशीन. तो जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आपको उसको फिंगर में कुछ इस तरह से लगाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो नेल्स आपके ऊपर होनी चाहिए एंड फिंगर पल्प नीचे, कुछ इस तरह से आपको इस तरह से लगाना है. और अपने हाथों को टेबल के ऊपर रेस्ट की पोजीशन में रखना है, कोई भी किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करनी है और आराम से आपको बैठना है. अब आपको बटन प्रेस करना है जो आपके ऑक्सीमीटर के ऊपर है. बटन प्रेस किया, कम से कम ये 30 से 40 सेकेंड या 50 सेकेंड लेता है रीडिंग लेने के लिए. तो आइए देखते हैं मेरी रीडिंग क्या आई है. मेरी रीडिंग आ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रीडिंग क्या आई है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी जो रीडिंग है वो SpO2 97 आया है और पल्स रेट 88 आया है. मतलब कि मेरे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ठीक है, 98 है, और मेरी जो हार्ट रेट है वो 86 बीट्स पर मिनट है. तो कुछ इस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर आपको रीडिंग्स शो करता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने नेल पॉलिश लगाई होती है या हीना लगाया होता है, मतलब कि मेहंदी, तो ये कभी कभी फॉल्स रीडिंग भी देता है. तो आप प्लीज़ उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको नेल पॉलिश नहीं लगानी है जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना रीडिंग चेक कर रहे हो. तो आपको मेहंदी भी नहीं लगानी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी नेल्स के ऊपर जो है, जब नेल पॉलिश हम लगाते हैं तो जो पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर से एक लाइट जाती है जो कि हमारे रक्त कोशिकाओं तक पहुँचती है, तो वो लाइट अच्छे से नहीं जा पाती. नेल पॉलिश के कारण वो लाइट ब्लॉक हो जाती है और हमारी रीडिंग गलत आती है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है. अब आइए बात करते हैं कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल शरीर का कितना होना चाहिए. तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है वो 95 टू 98, 99, इतना हमारा बॉडी का नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है. 95 से नीचे भी, 94 तक भी ठीक है, लेकिन अगर 92, 90 या उससे नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जा रहा है तो वो थोड़ी सी सीरियस बात हो जाती है फिर. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है, तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द अपने नियर बाय हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कीजिए. तो जैसे कि आपने देखा कितना आसान है पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करना. आपने उसको अपनी फिंगर टिप पे लगाना है, अपने हाथ को 20 से 40 सेकेंड जब तक वो रीडिंग नहीं लेता तब तक स्टिल रखना है, टेबल के ऊपर रखना है, और आपको कोई भी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं करनी है. आराम से बैठ के अपना ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है. उसके बाद जब रीडिंग आ जाएगी तो आप नोट डाउन कीजिए और अपने ऑक्सीमीटर को निकाल दीजिए. वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा या आप उसमें एक बटन है उसको प्रेस कीजिए, फिर से ऑफ हो जाएगा. तो इस तरह से हमें पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करना है. तो अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिनका ऑक्सीजन लेवल बार बार डाउन हो रहा है, तो आप हर एक घंटे, हर दो घंटे में भी अगर फिंगर टिप वाला आप ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं तो उससे आप आराम से रीडिंग लीजिए. आप उसको नोट डाउन कीजिए हर आवर में कितना ऑक्सीजन आया, कितना सैचुरेशन आया. इससे आपको एक डेटा मिलता है पेशेंट का कि हाँ भाई, इतना ऑक्सीजन लेवल एटलीस्ट उनके बॉडी में है. और जैसे कि मैंने बताया, अगर 92 से नीचे सैचुरेशन जा रहा है तो जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए. तो ये थी जानकारी पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, कितना आसान है पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करना, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल करने का तरीका हम लोग को आना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि अगर हम नेल्स में कोई सी चीज़ अगर लगाएं तो इसकी रीडिंग गलत भी आ सकती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे चुकी हूँ. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन,
जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए. एंड कोई भी अगर आपके क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी. और मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.